जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक पोस्ट पर तैनात अग्निवीर अमृतपाल सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई। हमारे देश में अग्निपथ अग्निवीर योजना आने के बाद में ये पहला ऐसा मामला आया है कि किसी अग्निवीर की शहादत हुई है। अब अग्निपथ योजना की पूरी जानकारियां हम सबको है। इसमें एक अग्निवीर की यदि शहादत हो जाती है तो उसकी शहादत के बाद उसका सेना से नाता खत्म है और उसके परिवार का भी सेना से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि एक सैनिक की यदि शहादत होती है, सैनिक शहीद होता है, तो उसके परिवार में नेक्स्ट ऑफ किन को फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन अग्निपथ अग्निवीर योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसी बात पे सवाल उठाया है कर्नल रोहित चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं कि कर्नल रोहित चौधरी साहब ने क्या कहा है। कर्नल रोहित चौधरी साहब ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, पहला अग्निवीर शहीद, जैसा डर था वैसा ही हुआ। मोदी सरकार ने भारतीय सेना में नियमित हुए अग्निवीर सैनिक में भेदभाव व बंटवारा करने का काम किया है। शहीद अग्निवीर की अंतिम विदाई में सम्मान की कमी नजर आई। अग्निवीर को न पर्याप्त ट्रेनिंग, न सुरक्षा, न पेंशन, न शहीद का दर्जा एवं न ही सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि। यह है मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम एवं झूठी सेना भक्ति। अमृतपाल सिंह, उम्र केवल 19 वर्ष, गांव कोटली कला, जिला मानसा, पंजाब की शहादत पर नमन व उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। पार्टी का पूर्व सैनिक विभाग बहादुर सैनिक अमृतपाल को शहीद का दर्जा देने की मांग करता है एवं अग्निवीर योजना पूर्ण रूप से खत्म करने की पुरजोर मांग करता है। जय हिंद। ये कर्नल रोहित चौधरी साहब ने लिखा है। अब इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जो पार्थिव देह है वो केवल ताबूत में आई, उसके ऊपर कोई तिरंगा नहीं था और अंत्येष्टि के दौरान यानी अंतिम संस्कार के दौरान वहां पे केवल पुलिस की ओर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने सम्मान दिया। कोई भी सेना की तरफ से वहां पे जवान, जेसीओ और अधिकारी अंतिम समय में, अंत्येष्टि के समय सैन्य सम्मान के लिए नहीं आए। तो इस बात को क्या माने कि क्या अग्निवीर केवल भारतीय सेना में नाम मात्र के लिए भर्ती किए गए? उनको एक राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ यदि कोई शहादत होती है अग्निवीर की तो उसको राजकीय और सैन्य सम्मान भी नहीं मिलेगा? क्यों ना मिले? अग्निवीर भी वहीं शहीद हुआ है जहां पे एक नियमित सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान किसी आतंकवादी घटना में या देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। आज अग्निवीर अमृतपाल सिंह के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? उन्होंने, अमृतपाल की मां ने, अमृतपाल के पिताजी ने, अमृतपाल की बहनों ने अपने बेटे लाल और अपने भाई को देश की सेवा के लिए भेजा था और उसी भर्ती प्रक्रिया से अमृतपाल सिंह भी गुजरा जिस भर्ती प्रक्रिया से एक नियमित सैनिक गुजरता है। लेकिन आज अमृतपाल सिंह का परिवार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज वो सोच रहा है कि मैंने अपने बेटे को क्यों मौत के मुंह में धकेला। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है अमृतपाल सिंह के परिवार वालों के लिए कि उन्होंने अपने लाल को देश की सेवा में झोंक दिया और आज वो अकेले हो गए। इस बात पे मुद्दा, इस बात पे अवश्य चर्चा होनी चाहिए कि क्या अग्निवीर की शहादत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए या फिर जो भारत सरकार ने पॉलिसी के तहत अग्निवीर को शहीद नहीं मानती है वही ठीक है। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह की आत्मा की शांति के लिए
आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए आखिरी आवाज़ है कि पहला अग्निवीर देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी शहादत हुई है और अग्निवीरों को भी शहीदों का सम्मान मिलना चाहिए। 19 साल की उम्र में अमृतपाल सिंह ने अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। दिन दुनिया क्या होती है, समाज क्या होता है, केवल एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते देश की सेवा के लिए चला जाता है और उसकी शहादत हो जाती है। ये शहादत किसी दूसरे सैनिक की शहादत से कम नहीं है, इसको कम नहीं आंक सकते। इसके पीछे कारण कुछ भी रहे होंगे, कोई कम ट्रेनिंग का हवाला देगा तो कुछ, कोई कहेगा कि कोई मानसिक तनाव के कारण हुआ है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक सैनिक की यदि शहादत होती है तो उसे शहीद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद अमृतपाल सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसे वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।